हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, आज यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हो। हमारा ए गर्ल ऑफ मास 35 kg क्लाइम्स अप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर अबाउट द ग्राउंड टू द थर्ड फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर अबाउट द ग्राउंड। वट विल बी द इंक्रीज इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कह रहा है कि एक लड़की है 35 kg की, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उससे ऊपर के फ्लोर पे चढ़ना शुरू करती है। ठीक, एक बिल्डिंग के फ्लोर में ऊपर चढ़ना शुरू करती है एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर अबाउ द ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर अबाउ द ग्राउंड। ठीक है, ये कह रहा है कि मतलब जो 35 kg की लड़की है वो जो 4 मीटर की हाइट पे है फर्स्ट फ्लोर, उससे चढ़ना शुरू करती है और थर्ड फ्लोर पे जाती है जो कि 12 मीटर पे है ग्राउंड से। तो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें जो हमारा इंक्रीज होगा वो क्या होगा। ठीक, और ये भी कह रहा है कि जी जो हमारा होगा उसकी वैल्यू कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। ठीक, तो देखते हैं। आईसीएसई 2013 में पूछा गया है। तो देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले जो जो मुझे पता है वो लिखूंगा मैं। मास मास ऑफ गर्ल है 35 kg, और ठीक है हाइट H1 है हमारी, पहले फ्लोर की हाइट कहाँ पे थी, वो पहले 4 मीटर पे थी। H2 है हमारी दूसरे थर्ड फ्लोर की हाइट, जहाँ पे वो गई बाद में, वो है 12 मीटर। ठीक, और जी तो हमें दे ही रखा है कितना लेना है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आप लोगों को पता होगा क्या होती है। ये होती है MGH होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितना होती है MGH। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हमें MGH है जो, ठीक, यहाँ पे जो हाइट है हमारे पास बता रहा है कि कितने कितनी पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलो मैं पहले एक बार उस तरीके से बताता हूँ सीधे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट फ्लोर, जब फर्स्ट फ्लोर पे थी उस टाइम कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, तो 35 × 10 × हाइट कितनी थी उस टाइम हाइट थी हमारी 4 मीटर पहले फ्लोर की। तो इसको सिंपलीफाई किया, ये आ गया 4 × 5 = 20 की सुनत पर, 2 × 4 = 12 = 14, 1400 जूल थी। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड, इसको ऊपर ही कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या, सेकंड, सेकंड बोले तो थर्ड फ्लोर की है ये। ठीक, थर्ड फ्लोर की कितना हो गया, 35 kg, तो उसका वेट है ठीक, और 10 मीटर पर सेकंड जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट थर्ड फ्लोर की है 12। ठीक, ये सब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आया आपके पास 12 × 120 = 5260 की सुनने से 6 × 3 = 36 और 6 = 4200 जूल। ठीक, अब मुझे निकालना है अगर कि इंक्रीज कितना हुआ होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ सीधे सीधे लिख दूँ, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि पहले से जब थर्ड फ्लोर में गया कितना है, थर्ड फ्लोर पे कितनी है 4200, पहले कितनी थी फर्स्ट पे 1400, इतना ही तो चेंज हुआ, कितना है ये घटा के आप देख सकते हो, कितना आ रहा है ये घटा के, ये आ रहा है हमारा 0 0, और इधर से आया ये 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 2800 जूल। ठीक, अब ये इतना किया आपने, आप सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, MG ठीक H2 − H1, हाइट 2 − हाइट 1। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते 35 × 10 × हाइट ऑफ थर्ड फ्लोर, हाइट 2 का मतलब है थर्ड फ्लोर क्या है, ठीक, 12 − हाइट 1 पहले की, तो 4 मीटर पहले की हाइट। ठीक, ये हो गया 35, ये गुणा आ गया 10 × 10 = 12 में से 4 गया 8। ठीक, तो ये हो गया 35 × 80, इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, ये 0 का 0 8 45 की 0 से 4 8 24 और 4 28, 2800 जूल। तो आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे, आपकी मर्जी, जो भी आपको सही लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।